मुझे लाल लतीफा सिंध में, मुझे सोना शरीफा सिंध में। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की सबसे छोटी यूट्यूबर। ये पाकिस्तान की वाहिद यूट्यूबर होस्ट हैं जिनका कद सबसे छोटा है लेकिन काम जो है वो बहुत बड़े बड़े करती हैं। फेसबुक पे मेरी तस्वीर देखी थी उन्होंने। तस्वीर देखी थी ना, पूरा नहीं देखा, आधा धड़ देखा था। दिन में कितनी दफा गोद में उठाते? अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम सनोबर है। लेकिन आपको तो लोग सनोबर छोटी के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि सनोबर बहुत सारी है ना, छोटी कम है ना, इसलिए। छोटी कम नहीं है, छोटी एक ही। यस। ये बताइए, ये छोटी नाम आपका किसने रखा था, यानी छोटी प्यार से कौन कहता है? छोटी मेरे हस्बैंड ने लोगों रखा था, मेरा नाम वैसे सनोबर था, तो जब मैं इस फील्ड में आई तो उन्होंने छोटी लगा दिया। yes. क्योंकि छोटी एक ही है। जैसे हम कभी चाय पीने जाते हैं ना किसी होटल वाले बच्चे को कहते हैं छोटे इधर आ, तो हस्बैंड आपको जब घर पे कोई उनको चीज चाहिए होती होगी, पानी या रोटी बनानी हो, तो छोटी इधर आ जा। नहीं, वो तो सन्नो कहते हैं मुझे प्यार से, और वैसे मेरे काफी फ्रेंड्स कहते हैं वो छोटे छोटे के नाम से बोलते हैं मुझे। हम आपको माशाल्लाह सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, आप बहुत अच्छी होस्टिंग करती हैं, यूट्यूब पर वीडियोस भी बनाती हैं, प्रोग्राम्स वगैरह भी बहुत अच्छे करती हैं। दिखने में ये अंदाजा हो जाता है कि छोटा पॉकेट बड़ा धमाका। यस। कब से कर रही हैं होस्टिंग, और ये शौक आपको कब पैदा हुआ कि आपने एक यूट्यूबर बनना? वैसे मेरा फादर जो है टीवी आर्टिस्ट हैं, उनको देख के मुझ में भी ऐसा आया, एक वो होता है ना करंट जिसको कहते हैं, कि जब फादर के ड्रामे देखने जाते थे तो बड़ा मजा आता था। करंट तो सही, बड़े बड़े लोगों को हिला देता है, आप छोटी सी हैं तो करंट का क्या हाल किया होगा? छोटे में भी करंट बहुत बड़ा होता है, आपको नहीं पता, छोटे कद पे नहीं जाए आप। हाँ, तो फिर वो बस देखते देखते शौक हुआ, एक दो ड्रामे किए अब्बू के साथ साथ। अब्बू ने, जैसा अब्बू ड्रामा आर्टिस्ट है, तो अब्बू ने कहा भाई मेरी बेटी को लो ना इस ड्रामे में, तो उनके साथ छोटे मोटे रोल करती थी, तो उसी में एक्टिंग का जोश आया। फिर एक्टिंग करते करते टिकटॉक, आपको देखा टिकटॉक एक आया, वो टिकटॉक यूज करती है। कितने फॉलोवर्स हैं आप? मेरे 8 मिलियन फॉलोवर्स हैं। तो टिकटॉक में मतलब हर किसी की कोई ना कोई खास बात होती है, कोई वो चलता अच्छा है, कोई लिपसिंग अच्छी करता है। आपकी टिकटॉक आपकी किस चीज की वजह से मशहूर है? ये बात तो आपने बहुत अच्छी बोली है, क्योंकि टिकटॉक जो है कुछ चल के, कुछ आंख मार के, कुछ डांस करके वायरल होते हैं। मेरी जो टिकटॉक वायरल हुई थी मेरे हस्बैंड के साथ हुई थी। मेरी हस्बैंड की हाइट जो है माशाल्लाह लंबी है, तो उनको देख उनके साथ मैंने वीडियो बनाई और वो उन्होंने मुझे हक किया, बस वो ऐसी वीडियो वायरल उठा। बैठ के हक किया या खड़े खड़े तो कर ही नहीं सकते ना। वो वही बात है ना, आप जैसे लोग हमें झुककर सलाम करते हैं और हम जैसे लोग आपको सर उठा के सलाम करते हैं। जो आपके हस्बैंड ने आपको हक किया, वो हक करने का अंदाज क्या था कि आप दोनों एक दूसरे के पास से भागते हुए आप छलांग मार के उनकी तरफ हो गई थी? आपको हस्बैंड बनना पड़ेगा। अभी तक तो मैं बिल्कुल कमा रहा हूँ। गाना आता है मुझे आंखों में बसाया तुम्हें दिल में बिठाया, तो वो नीचे झुक गए और मैं आके उनसे गले से लग गई। तो वो वीडियो बड़ी वायरल हुई जोड़ी पे, तो अब जोड़ी ही बनाते हैं हम लोग। आप माशाल्लाह ऐसी क्यूट क्यूट सी हैं, छोटी सी हैं और टिकटॉक बनाती भी अच्छी भी लगती हैं। ये बताएं, कद की तो छोटी अपनी जगह वो ठीक है, लेकिन आपकी उम्र क्या है, सही से बतानी है सच्ची वाली? हाँ, मेरी उम्र 30 साल है। 30 साल जी। बड़ी होके क्या करेंगी? बड़ी होके क्या मतलब है बड़ी होके? छोटे होते हैं ना जब बच्चे घर पे, तो उनको उनके घर वाले बड़े प्यार करते हैं, गोद में उठा लेते हैं, कंधे पे बिठा लेते हैं, चीज दिलाने ले जाते हैं। तो आप तो इतनी बड़ी होके भी छोटी सी हैं, आपको भी गोद में घर वाले उठा के घूमते होंगे? ये ऐसा तो है नहीं, लेकिन हमारे घर में से चारों ही छोटी कद के हैं। अच्छा। हम चारों बहन भाई की छोटी हाइट, किसको, किसको कंधे पे लें ये बताएं आप। आप मैं नहीं हूँ खाली। आपके घर में सब छोटे छोटे कद के हैं, तो उन सब में भी किसी का कद ज्यादा होगा, किसी का छोटा होगा। तो आप कौन से नंबर पर हैं कद के हवाले से? कद के हवाले से मैं 3रे नंबर पे हूँ। मेरे भाई की हाइट लंबी है, फिर एक और भाई की हाइट लंबी है, फिर मेरी हाइट है। यानी कि घर में जो सबसे छोटे कद का है वो आप लोगों की नजर में सबसे लंबे कद का है। सबसे लंबे कद का है। जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, सारे घर वाले माशाल्लाह इसी तरह आपकी तरह प्यारे प्यारे लगते हैं? हाँ, सब माशाल्लाह एक जैसे। अबू पे गए माशाल्लाह, अम्मी जो है लंबी थी, उनकी डेथ हो गई, और माशाल्लाह फिर ये देखें आप मेरे हस्बैंड लंबे। हाँ। आप ये देखें, और मेरी भाभी भी लंबी। ये बताएं, शादी पसंद की है अरेंज मैरिज? हाय अल्लाह, पसंद किए। पसंद किए, कैसे पसंद किया था? पहली दफा कहाँ मुलाकात हुई और कैसे ये सर उठा के देख रही थी आप, या वो सर झुका के देख रही? नहीं, ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ था। फेसबुक पे मेरी तस्वीर देखी थी उन्होंने। अच्छा। फेसबुक पे पसंद किया था। सिर्फ तस्वीर देखी थी ना, पूरा नहीं देखा? नहीं, आधा धड़ देखा था। सही कह रहे हैं, बिल्कुल हाफ हाफ तस्वीर देखी थी, और फिर उन्होंने मुझे कॉल की व्हाट्सएप पे। मैंने कहा मेरी हाइट छोटी है, आप लंबे हैं, मैं कहा आप कहा कह रहे कोई मसला नहीं है। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं, मैंने उनको पूरे दिखाया भी, वो राजी थे। पहली दफा आपकी मुलाकात कब हुई अपने हस्बैंड से और कहां पर हुई? जब मिलने गए तो आपने देखा कि उनकी हाइट ज्यादा थी, आपकी कम थी, तो वो जो पहली नजर का जो कमाल होता है, एकदम मतलब देखकर हैरान से हो गए थे, परेशान से हो गए थे, उदास से हो गए थे, या खुशी से छलांगे मारने लगे?
वो तो डायरेक्ट मेरे घर पर ही आ गए थे मुझे मिलने के लिए, मुझसे देखने के लिए। और जब मैंने उनको देखा तो बहुत खुशी हुई कि यार मैं कहाँ वो कहाँ। तो आपको उस टाइम जो फीलिंग थी ना वो मैं बयान नहीं कर सकती कि यार ये मुझसे शादी करेंगे। आपने वो गाना सुना है, जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम। क्या याद दिला दी उस पे, तो मैं इतनी परफॉर्म करती हूँ। मैं मेरे मियाँ को मैं इशारा दे देती हूँ, अब ये गाना आ रहा है आपने गोद में उठाना है मुझे। उठाते वो उठाते हैं गोद में। दिन में कितनी दफा गोद में उठाते? ये कोई तो पर्सनल सवाल कर रहे हैं। हाँ तो जब दिल होता है जब उठा लेते हैं, जब ये गाना चलता है उठा लेते हैं। हाँ जब ये गाने पे तो ज्यादा ही उठाते हैं भाई। वाह। और मैं टिकटॉक पे भी तो यही इसी ये उठाते हैं और वायरल हो जाते हैं। आपके बच्चे वगैरह हैं? हाँ मेरे दो बेटे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। किस पर गए? मम्मा पे गए, पापा पे गए? मम्मा पे गए। लोगों को यही था कि पापा पे जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे गए। आप कितने साल की थी जब आपको अंदाजा हुआ कि आपका कद बढ़ना रुक गया? मुझे जब फील हुआ जब मैं स्कूल लाइफ में थी, मुझे लोग हूटिंग करते थे, मजाक उड़ाते थे, और मैं जो ना लंच अपना बचा के लिए आती थी, मेरी मम्मा कहती थी क्यों लंच बचा के लाए, मम्मा मेरा मजाक उड़ाते, मैं कैंटीन में जा नहीं सकती। क्या बोलते थे, क्या अल्फाज इस्तेमाल करते थे, या कौन सी आवाजें आपको मारते थे, वो लफ्ज क्या होते थे जिन जो आपको लोग तंग करते थे, क्या कहते क्या? अल्लाह का शुक्र है अब तो माशा इस चीज में नहीं है इन्वॉल्व। अब तो बहुत जो है अवेयरनेस आ गई है लोगों के अंदर। वही एक लफ्ज होता है बोनी, वो बड़ा हिट कर जाता है, और बहुत वो जो टोन होती है ना बोनी टिकनी, तो उससे बड़ी तकलीफ होती है। और आप मेरे हस्बैंड के सामने कोई बोल दे ओए होए, लड़ाई घर तक पहुंचा देते हैं। फिर लड़ाई है? ओ ऐसी वैसी लड़ाई। आपके तो लेजर और अंदाज से लग रहा है कि हस्बैंड से ज्यादा आप उसके मत्थे आप उसके मत्थे लग जाते, क्योंकि अब मैं इतनी बाहर निकल निकल के स्ट्रांग जो हो गई हूँ। इसलिए किसी रेस्टोरेंट जाते हैं ना कुछ खाने पीने, तो एक बच्चों की चेयर अलग रखी हुई थी ऊंची सी, तो जब आप अपने दोस्तों के साथ जाती है। अभी 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 आप देख ले, ये बच्चों की चेयर रखी हुई है, ये आपकी जो आप जिस चेयर पे बैठे उसी चेयर पे मैं भी बैठी हुई हूँ। ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई बच्चों वाला सीन नहीं है ना कोई छोटे कद का सीन है, सिर्फ जो चीज है उसी पे शुक्र अदा करें। अच्छा, हर इंसान की ना कोई ख्वाहिश होती है, हर इंसान की बहुत सारी ख्वाहिशें होती है। आप अपनी कोई एक से दो ख्वाहिशात बताएं जो पूरी नहीं हुई है और आप चाहती हैं कि पूरी हो जाए। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश बस शान भाई आपके चैनल के थ्रू से एक मेरी ख्वाहिश है और हमेशा रहेगी, मैं अल्लाह ताला का घर देखना चाहती हूँ। जरूर इंशाल्लाह, ये तो हर मुसलमान की ख्वाहिश है। अपनी फैमिली के साथ देखना चाहती हूँ। अच्छा ये बताएं कि शॉपिंग करने के मामले में ना ख्वातीन को बड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब किसी को जो है वो फ्रॉक लंबी आती है, किसी को छोटी आती है, शर्ट्स के साइज उस तरह नहीं मिल रहे होते, और सबसे ज्यादा वैरायटी ना शॉपिंग में बच्चों के कपड़ों की होती है, तो आपके लिए तो बड़ा आसान होता होगा बच्चों के कपड़े खरीदे होते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बच्चों के कपड़े नहीं आते, लोगों का जहन है कि वो बच्चों के कपड़े आते हैं। मैं माशाल्लाह सेहतमंद हूँ तो मुझे बच्चों के कपड़े नहीं आते, मैं सिलवाती हूँ। और ये कि मैं जो हूँ लंबे कपड़े लेती हूँ उसकी कटिंग करवा देती हूँ। हस्बैंड के साथ जब कहीं जाती हैं तो बाइक पर आगे बैठती हैं पीछे? ओहो आप तो विकराल घबराल वाली बातें कर रहे हैं आप तो। आगे क्यों बैठ के जाओगी, बीवी की जगह पीछे होती है, ये कद छोटा तो क्या मतलब आगे बैठ जाए? नहीं अक्सर ऐसा होता होगा ना कि बंदा जो है ना इमरजेंसी में या जल्दी में, चलो यार कोई बात नहीं तुम जल्दी जल्दी टैंकी पे बैठो। एक दफा शायद ऐसा हुआ था, मैंने अपने हस्बैंड को बोला क्योंकि जगह कम थी लोग ज्यादा थे, मैंने कहा आगे बैठा दे, कह रहे खबरदार आगे नहीं बैठना, क्या हो गया पागल तो नहीं हो, पीछे बैठो। पीछे आदमियों की तरह बैठती है लेडीज की तरह? जब मौका जैसा मिले मर्दों की तरह बैठे, औरतों की तरह। बाइक है अपना मियाँ है। अच्छा ये बताएं आप YouTube पे कैसे आए? होस्टिंग करने का ख्याल आपके जहन में एकदम कहीं सोई भी थी ख्वाब में होस्टिंग आ गई, या चलते फिरते एकदम जहन में आ गया, क्या हुआ क्या था? मेन बात है देखिए शान भाई, शौक का कोई मोल नहीं होता, और आपको पता है माशाल्लाह तोते की तरह जुबान है, तो दिख रही है ना आपको, तो जब इसमें तो बोलने की सलाहियत होती है ना। मैं वैसे फंक्शंस में होस्टिंग करती थी, फिर करते करते मेरे जो है चैनल के डेली नया चैनल के जो ऑनर हैं उन्होंने देखा मुझे किसी फंक्शन में, उन्होंने कहा यार तुम होस्टिंग भी तो कर सकती हो, फिर तुम हाइट भी छोटी है और वीडियो भी अच्छी है, नायाब होस्ट पाकिस्तान की, छोटे कद की भाई दोस्त कैसी लगेगी? तो मैंने क्यों नहीं, देर किस बात की, पहली वीडियो बनाए ऐसे ठक करके ऊपर गई और इतनी प्यारी लगी, पसंद आई। और पहली वीडियो बनाई थी मैंने उधर गायों की। अच्छा, और गायों ने मुझे मार दिया। अब दोबारा जो है वो सीजन आ गया बकरे बड़ा, ये देखें इनको पता नहीं होता कि हम लोग किस तरह वीडियो बनाते थे। अच्छा, आपके लिए बड़ा आसान है मंडी के अंदर प्रोग्राम करना, गाय के पास गए उसकी वीडियो बनाए उसी की टांगों के नीचे से निकल के दूसरी गाय के पास। ये आप कर ले तो पता चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को तो खौफ आता है। मैं तो वैसे ही अपने सब्सक्राइबर को कहती हूँ कि जिंदगी मौत से खेलती हूँ मैं जब गायों के पास जाती हूँ, मुझे एक दफा सिंह मारा है और अभी तक दर्द है मुझे। हमने इतनी सारी बातें कर ली, हमने तो ये डिस्कस ही नहीं किया कि आपका कद एग्जैक्ट है कितना, 2 फुट है, 2.5 फिट है, 3 फिट है, 4 फिट है? मेरा कद मुझे कभी अंदाजा ही नहीं किया मैंने। अच्छा फिर भी एक रफ आइडिया, अक्सर बंदा बोल देता ना वो 2.5 फुट की, इधर आ जाए 2.5 फुट ही होगा। हाँ, यानी कि लोग सही कहते हैं।
हाँ ढाई फुट। कभी पंखे साफ करने होते हैं, कभी कोई बल्ब खराब हो जाए, बदली करना होता है, तो ये सारे काम ढाई फुट के कद में कैसे एडजस्ट करती हैं? अपने घर का माहौल ही ऐसा रखा है, सारी चीजें नीचे नीचे रखी हुई, तो अल्लाह ने मियाँ दे दिया ना, तो काम पे नहीं जाते, तो अल्लाह मियाँ, तो घर पे अगर होते तो वो काम करते। आपकी बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी जो आप स्टार्ट जो है ना बिस्मिल्लाह से लेती हैं ना सलाम करती हैं, डायरेक्ट बोलती भी आती हैं, ये देखें ये चीज मैंने पकड़ ली ना, तो यही चीज पसंद आती है लड़कियों, जलो मत। अस्सलाम वालेकुम, सरोबा किचन में खुश आमदीद। ये देखें जी, शान भाई आए हैं मेरा इंटरव्यू लेने। इनका स्टाइल है, अगर आम हाथ में हो तब भी ये बोलती हैं, ये देखें जी, तरबूज हाथ में हो तब भी बोलती हैं, ये देखें जी। ये बातें करती हूँ उन लोगों से, फलों से। अच्छा। कोई गाना, कोई अच्छा सा अगर आप सुनाना चाहती हैं हमारे देखने वालों को, तो कोई अच्छा सा गाना हो और के मजा आ जाए सुनने वाला। मैं अपने सिंधी भाइयों के लिए एक गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ। वो तो नहीं, अपनी गाड़ी रियो निकाल। नहीं नहीं, वो नहीं, वो बहुत चल गया है, लेकिन वो बहुत अच्छा गाया है हमारे भाई ने। आप वैसे सिंधी? यस, सिंधियों में। सिंधी, सिंधियों में कौन सी कास्ट है? खासकली। अच्छा। हम खासकली आया, दादू जी आऊं। तो ये आप लोगों के लिए तो नहीं था, सिंध सुनो लगे सिंध में, मुझे लाल लतीफा सिंध में, मुझे सोना शरीफा सिंध में, मुझे शाह बिटा ये सिंध में, हाँ अजरक टोपी शाला ये सिंध जिया पहचाना। मैंने वो गाना सुना दूं? अच्छा अच्छा, वो सुना दो, वो तो रह गया अभी। हाँ, ओहो दन पिताना, ओ दाना दन पिताना, जी दाना दन पिताना, दनना ओ दुखी लगा के दनना, ओ दुखी लगा के दनना, ओ हरित पकद ममना, ओ हरित पकद ममना, ओ जी जी सगना, ओ बेरित पकद जगना, ओ जी जी नंदरी कर एक सवकत वंदरी, ओ जी जी सुमरो पपपग जबके। ओ हमने बहुत सारे लोग देखे हैं कि अच्छे खासे लंबे भी हैं और उनकी शादी जो है नहीं हो रही, किसी वजह से नहीं हो रही होती होंगी या वो खुद नहीं कर रही होती हैं। आप छोटी सी हैं और सही लंबे बंदे से शादी भी खड़का ली, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज ये दुनिया वालों के लिए कि हम किसी से कम नहीं है, और कद कुछ नहीं होता, कद कोई मायने नहीं रखता, इंसान का किरदार इखलाक होना चाहिए। और जैसे मेरी वालदा ने मेरे अब्बू से शादी करी और जैसे हस्बैंड ने मेरे से शादी करी, अगर ऐसे लोग हम जैसे लोगों से शादी करेंगे तो कभी हम जैसे लोग जो है घर में नहीं रहेंगे। बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात की। जाते एक और मैसेज उनके लिए जो मेरे जैसे लोग हैं, कि अपने अंदर एक मोटिवेशन पैदा करें, अपने अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस लेकर आए कि आप किसी से कम नहीं है, और दुनिया को दिखा दे हम भी एक मिसाल है, हम भी कुछ है। ऐसे ही है जी, बिल्कुल इनकी वाली बात है कि आप कुछ भी बन सकते हैं, इवन आप सनोबर छोटी भी बन सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने मेजबान चांद चौधरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह मिलेगा।